morning student. How are you? आज हम subject English सीखेंगे, ठीक है? English में हमने अब तक क्या सीखा? A से Q तक के letter सीखे, ठीक है? तो आज हम एक नया और letter सीखेंगे, ठीक है? तो first revise करेंगे. A for apple. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for house. H के बाद कौन सा लेटर आएगा? I. I for J. J for jog. J for jogger. J के बाद K. K के बाद N. N for lion. M for monkey. M for mesh. O for orange. P for parrot. Q for queen. उसके बाद कौन सा लेटर आएगा? R. कौन सा लेटर? R. यहाँ पे कौन सा पिक्चर जो किया है? R for rose. Rose देखा है ना आप सबने? देखा है? वो रेड कलर का होता है और कितना सुंदर होता है, ठीक है? हम पूजा में भी रखते हैं उसे, ठीक है? तो R for rose, R for rose. क्या करेंगे हम? चलिए नारी, ऐसे दोनों करेंगे और भी ऐसे स्लैंट लाइन करेंगे. क्या हो गया? R, R for rose, ठीक है? R for rose, R for rose. R for rose. ठीक है, चलो फिर से हम देखेंगे.
phải đi ngủ. À cái gì đấy là đi ngủ thì nào chứ đừng đi lần đầu tay đi ngủ. Rồi con đi ngủ với một tay. Ai có rabbit, ai có rose. Thì nhé, ai cũng đi con tay lên cái gì cả. Đi chốt. À. Và cụ kẻ bên này. Đi ngủ mặc ngủ 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 आर लिखना ठीक है अच्छे से बोल के लिखना और प्रॉपर लाइन में लिखना ठीक है और फिर आपके पास ए वाली कॉलम के उसमें भी आपको लिखना है ठीक है अच्छे से बोल के और प्रॉपर लाइन में लिखना ठीक है बाय बाय